आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का वीडियो रहने वाला है आईबीपीएस क्लर्क 2019 को लेकर। बिना कोचिंग का भैया हम एग्जाम निकाल सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल 110%। भैया आप इस बार जो आप सभी बोल रहे थे भैया बैंकिंग का क्लास आप बंद क्यों कर दिए, आप फिर से क्लास करवाएंगे 19 का, बहुत जन बोले हैं भैया इस बार कम से कम करवा दीजिए, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस कराऊंगा इस बार भी आपको क्लास। तीसरा क्वेश्चन, भैया अगर मैं कोचिंग ना जाऊं तो एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भैया, बेस्ट बुक बताइए बैंकिंग के लिए, तो वो बुक भी बताऊंगा आपको बिल्कुल कौन सा किताब है। और भैया एक बात याद रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ आपको हर एक एग्जाम का, हर एक सेक्शन का क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि मैथ और रीजनिंग ओवरऑल मिलाकर कट ऑफ क्लियर हो गया तो इंग्लिश में फेल हो गए, तो आप फेल कहाएंगे, आपको ईच सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी डाटा आईबीपीएस जो है वो देगा कट ऑफ हर एक सेक्शन का, आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना है। और डाउट, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है भैया एग्जाम क्रैक करने का? स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि सारा का सारा किताब पढ़ लिए, उसको स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं बोलते। स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि स्मार्टली कम पढ़कर हम एग्जाम क्रैक कर पाए। भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल 110% फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं एक एक चीज। लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपके माइंड से ना बहुत सारा डाउट आज निकल जाएगा, बहुत सारा डाउट आज निकल जाएगा। और हाँ, टारगेट पर पहुंचने से पहले, एग्जाम क्रैक करने से पहले, रिजल्ट लाने से पहले आपके माइंड में डाउट रहना ही नहीं चाहिए। पूरा आपका टारगेट जो मेन है, जो एम है, जो मोटो है, वो क्लियर दिखाई देना चाहिए कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, ये करना है, टक 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 एग्जाम निकल गया, पूरा क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है और बेस्ट बुक क्या है, हम आपको तैयारी में क्या क्या करवाएंगे, पूरा ए टू जेड बिना कोचिंग का, कोई कोचिंग नहीं करना है। अगर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो कोचिंग वाले ही पास नहीं करवा सकते, अगर आप मेहनत करते हैं तो सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, सभी जानते हैं। तो आप सभी को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड किताब बताऊंगा, पहले आप देख लो आपका सेक्शन क्या क्या है। तो सेक्शन है आपका रीजनिंग, मैथ और आपका इंग्लिश, कितने कितने नंबर का पहले वो भी लिख लीजिए, सभी को पता है 35 नंबर का ये आएगा, 35 ये आएगा, अगेन 30 आपका ये आएगा, राइट, कितना हुआ 100। टाइम कितना मिलेगा 60 नंबर। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है एग्जाम से पहले, अगर प्रीवियस ईयर की तरह पेपर आया तो आपको 75 का अटेम्प्ट आप इजिली कर लोगे। करना क्या क्या सब बताऊंगा, कैसे पहुंचेंगे डाटा तक। अगर आपका पेपर बहुत मॉडरेट आता है, मॉडरेट की बात कर रहा हूं, तो 65 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो 40 प्लस, भैया 40 प्लस से एग्जाम निकलेगा? अरे पेपर हार्ड आया है तो एग्जाम सबके लिए पेपर हार्ड है ना, तो 40 प्लस में भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं ए टू जेड, ठीक है, करना क्या है आपको ये पता है। अब पहले क्लास पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो बताने से पहले आपको मैं एक किताब दिखाऊंगा, ये किताब सभी को खरीदना है। और जो 5-6 साल से ना, जो 5-6 साल से, एक मिनट, हेलो, हाँ क्लास दे रहे हैं, हाँ, अगर आप मान लीजिए ना, एक बात मैं बोल रहा हूं आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन है, 5-6 साल से जो भी एग्जाम निकाल रहे हैं, बहुत दिन से, ये किताब हर एक बैंकिंग स्टूडेंट्स के पास था, मेरे पास भी था, आपको भी लेना है। हर महीने ये किताब आती है और बहुत ज्यादा दाम नहीं, 40-50 रुपए में मिल जाएगा। भैया किताब प्रमोट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कसम से किताब बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं जितना मेरे से हेल्प हो सकता है आप सभी का उतना मैं हेल्प कर रहा हूं। ये किताब आप सभी ले लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, बैंकिंग क्रॉनिकल, देख रहे हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल एवरी मंथ आती है, मैं इससे पढ़ना क्या है मैं आपको सब बताऊंगा। बैंकिंग क्रॉनिकल का किताब सभी को लेना है और आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए सब बताऊंगा आज की क्लास में। पहले आप देखो आपको करना क्या है, रीजनिंग में ना आपका टॉपिक क्या क्या है। और हाँ, दो क्लास में आपको कराऊंगा, सारा क्लास तो नहीं, एक तो पजल का और दूसरा डीआई का। सभी बोल रहे थे भैया आप रेलवे क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं, बैंकिंग को छोड़ दिए हैं, जो पहले आप बैंकिंग के टोटल आपका ए टू जेड बैंकिंग का ही था, लेकिन उसको भी पूरा छोड़ दिए हैं,
इस बार लेकिन 19 में ना मैं आपको दो क्लास जरूर कराऊंगा, पजल और डीआई, और ये जान है, इस पर ही पूरा बैंक आपका टिका हुआ है, बैंकिंग का एग्जाम इसी के ऊपर। विदाउट दिस, इसके बिना एग्जाम क्रैक करना जो है वो नामुमकिन के बराबर है। अब देखो, लेकिन ये दो क्लास मैं आपको कराऊंगा। अब देखो क्या करना है, आपका रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या है तो आप सभी को पता है, मैं लिख रहा हूं, बस आप ध्यान रखना, पढ़ना कैसे सब बताऊंगा। सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब छोड़ दो ना, ये सब छोड़ दो, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और क्या है आपका डिस्टेंस वाला है, मशीन इनपुट आउटपुट दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक आप लिख लेना और मैं आपको बस लिखवा कर छोड़ूंगा नहीं, समझा दूंगा करना कैसे, पहले आप बस लिखना, ठीक है। मशीन, उसके बाद डाटा सफिशियंसी है, और क्या है आपका पजल है, और क्या है आपका इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका इसमें क्या आ सकता है, और अल्फाबेटिकल वगैरह छोड़ दो, वो सब तो आप सभी स्कोर कर पाओगे, वो तो आसान है। ये आपके सिलॉग्स हो गए, इनक्वालिटी इनइक्वालिटी कोइंडिकोडिंग ब्लड रिलेशन डिस्टेंस मशीन इनपुट आउटपुट डाटा सफिशियंसी पजल और याद आता तो लिखता हूं। अब देखो मैथ में आपको क्या क्या करना है, मैथ में आपको करना है आपको सिंप्लीफिकेशन बोलो या फिर अप्रोक्सिमेशन बोलो, एक ही बात है, अप्रोक्स या सिंप्लीफिकेशन। डीआई तो करना है भाई, ये इसके बिना तो एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये दो टॉपिक हो गया, इसमें भी आप डाटा सफिशियंसी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं इसमें नंबर सीरीज, ये बहुत जाने 100% आएगा, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों में से आएगा, 5 नंबर कंफर्म है। और क्या आ सकता है भैया, और आपका आ सकता है अर्थमेटिक, इसको आपको लिख लेना, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैथ में बस इतने टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में इतना टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है पहले इंग्लिश का बताता हूं। इंग्लिश में जो है आपका एरर्स है, ठीक है, क्लोज टेस्ट है, देखो क्या क्या करना है, पूरा स्ट्रेटजी बता रहे हैं कैसे कंप्लीट हो जाएगा बिना कोचिंग का, बिना ज्वाइन किए, और आप सभी कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक। देखो एरर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर आपको ऑड वन वाला आता है क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से आप मान लो पैसेज कंप्रेसिव मान लो, और आप मान लो यहां पर आपका रीअरेंजमेंट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उसको पैराजम्बल्ड, ठीक है, वो लिख लो आप सभी, ठीक है, डबल फिलर लिख लीजिएगा, वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये तो आपको इतने चीज पढ़ने हैं, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना है तो इतने टॉपिक आप सभी को पढ़ना है, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात आता है भैया, इतना पढ़ने के लिए कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं है। अब दो तीन बात याद रखिएगा, आप पजल और डीआई ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, और इसके अलावा इसके लिए आप बोलते हैं भैया कोचिंग पढ़ना है, बताते हैं करना क्या है। देखो सिलॉग्स मैं करवा दिया हूं सक्सेस की 98 के चैनल पर, ठीक है, आप अगर सर्च मारेंगे सिलोगिज्म सक्सेस की 98 आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा A to Z कंसेप्ट समझा कर रखे हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं उस किताब का रोल कितना बड़ा है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इनइक्वालिटी भी मैंने करवा दिया है, आप सर्च मारेंगे इनइक्वालिटी सक्सेस की 98 आपको वीडियो मिल जाएगा, न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न सारा ये भी करवा दिए हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन मैंने आपको इतना हाई लेवल तक करवा दिया है, क्लर्क के एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। अगर आपको जज करना है, रात को 10 बजे क्लास होता है आपका रेलवे का रीजनिंग का, उसमें ब्लड रिलेशन भी हमारा आता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस भी मैंने सारा पैटर्न का कवर करवा दिया है, देखो लाइन से मैंने सब करवाया है, अभी तक चैनल पर मिल जाएगा। अब जो मैं आपको चैनल पर मिलेगा कोचिंग सेंटर में वही आपको करवाएंगे 15 से 20 25 दिन तक, यही सारा चीज, और आप डेली जाएंगे, 3 घंटा आने में जाने में लगेगा, फिर घर में आके बोलेंगे थक गए, फिर रात को टाइम बीत जाएगा। आपको ये टॉपिक हमारे चैनल पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 पर सर्च कर लीजिएगा। एग्जाम में ये आता है तो ये नहीं करना है, कोई कोचिंग सेंटर वाला भी आपको जितना भी बता देना फिर भी आप नहीं करेंगे, और विश्वास मानिए 90% से ज्यादा स्टूडेंट इसको किए बिना एग्जाम क्रैक करते हैं। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं
कि मशीन इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन इतना घुमा देगा, इतना कोडेड कर देगा ना, कि एग्जाम टाइम में क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और वो भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि भैया मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं स्मार्ट स्ट्रेटजी, आपको 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको इतना नंबर लाना है कि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। अब बात आता है भैया डाटा सफिशियंसी, ये आपको रात को 10 बजे वाले क्लास में कराया जा रहा है। बात आया पजल, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, संडे को आपके पास आपका दिसंबर में एग्जाम है ना, उसके पहले आप सभी को याद रखिएगा, आप सभी को मैं कम से कम ना 15 से 20 पजल करा दूंगा जो सफिशियंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। 15 से 20 मैं कराऊंगा, दिख रहा है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं यहां पर, और 20 मैं आपको दूंगा, यानी 40 पजल मेरे साइड से आप सभी को मिल रहा है। अभी टाइम टेबल ही बता रहे हैं, और ये टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग भी आप लिख लीजिएगा, इसका टाइमिंग लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, हर संडे को डीआई का जो क्लास मिलेगा उसके अलावा, भैया सिर्फ संडे को बता रहे हैं, अभी संडे को दोपहर में 2 बजे आपको डीआई का क्लास मिलेगा और पजल का क्लास रात को 9 बजे संडे को मिलेगा। ये दो चीज आप नोट कर लेना, जब तक एग्जाम नहीं आता है, अभी भी आपके हाथ में कम से कम 4 संडे, 4 संडे का मतलब है 15 से 20 पजल मैं आपको दूंगा कराऊंगा, और 20 पजल आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, 40 पजल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी टाइम टेबल 40 से काम नहीं बनेगा, अभी मैं आपका टाइम टेबल सजा कर दूंगा, उतना करेंगे तो एग्जाम निकलेगा। सिंप्लीफिकेशन डाटा सफिशियंसी, सिंप्लीफिकेशन का आपको 15-20-25 वीडियो मिल गए, 25 बहुत कम बोल रहे हैं, कम से कम 50 से ज्यादा वीडियो मैंने आपको ट्रिक के सहारे दिया है कि एग्जाम में ये तरीका अपनाना कैसे है। एक बार ये वीडियो आप सर्च मारिएगा यूट्यूब के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सिमेशन सक्सेस की 98, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। मेहनत करेंगे तो एग्जाम निकलेगा, यहां बात चल रहा है मेहनत करने का, वरना कोचिंग सेंटर में 5,000-6,000 रुपया देने जाने के बाद भी आपको आने जाने में जो मेहनत लग रहा है और आपको विश्वास लग रहा है कि वो सर मुझे पास करवा देंगे, तो ये बहुत बड़ा आप गलत फैमिली पाल कर रखे हैं, याद रखिएगा। आप ये सोचो ना, आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाल सकते हैं, अभी तो प्लानिंग पूरा बताए नहीं, अभी सुनो तो मजा आएगा। देखो डीआई ये मैं आपको सेम 15 से 20 मैं कराऊंगा और 20 आप सभी को मैं दे दूंगा, टाइमिंग आपको मैं बता दिया हूं, 40 पजल 40 डीआई आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं दे रहा हूं, टाइमिंग बता दी है, डीआई आपको दोपहर में 2 बजे, पजल रात को 9 बजे, ठीक है। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ऊपर से मैं आपको ना यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए और उससे बाहर पैटर्न नहीं बनता है, उससे आप देखोगे ना 2016 में जो पैटर्न आया 19 में वही आ रहा है, पैटर्न नहीं बनता है कुछ नया, वही घुमा फिराकर 50 से 60-100 पैटर्न होगा, उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। एक बार जब संडे को मैं क्लास कराऊंगा ना डीआई का 2 बजे, तो उस दिन मैं आपको नंबर सीरीज का पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। अर्थमैटिक के लिए क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है ना, 5 से 6 चैप्टर अपना पसंदीदा चैप्टर चूज कर लीजिए, 5 से 6 चैप्टर जो आपको समझ में आता है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी समझ लीजिए, या फिर आप इतना सा काम कर लो ना, शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास चलता है रेलवे का, बस एक महीना वो देख लो, एक महीना आप देख लो, आप बोलेंगे भैया अर्थमैटिक जो था ना भैया उसका फंडा मेरा क्लियर हो गया है, और कम से कम 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में ये आएगा, और एक महीना आप ये 6 बजे वाला क्लास देख लेते हैं तो आप बोलेंगे एग्जाम देने के बाद ना भैया आपके सहायता से हम अर्थमैटिक में 5 से 6 नंबर अटेंड कर आए, और उतना ही करना ही है आपको, उतना ही करना ही है। डीआई आपका कम से कम आएगा तो 10 से 15 नंबर का डीआई आएगा, पजल भी आपका आएगा तो 15 से 20 नंबर का पजल आएगा, बाकी जो भी आएंगे 5-5 नंबर के,
बैंक के एग्जाम में ये नहीं होता है कि सिंप्लीफिकेशन एक आया, डाटा सफिशिएंसी एक आया, जो भी टॉपिक आता है चार से पांच नंबर का आता है, जो भी टॉपिक आएगा आपका चार से पांच नंबर का टॉपिक आने वाला है। तो देखो ये टॉपिक मेरे आप छोड़ दो शाम को 6 बजे भरोसे पर, आपको क्या करना है अभी टाइमिंग आपको बता रहे हैं, आपको टाइमिंग मेंटेन कैसे करना है ये मैं करवा दे रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा नंबर सीरीज का, यहां से पजल हो गया आप सभी का, बाकी टॉपिक मैंने करवाया है, कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब स्पीड नहीं बढ़ता सब बता रहे हैं। इसके लिए क्या करना है आप सभी को, करना क्या पहले वो सुन लो ध्यान से, आपको ना मेरे ऊपर विश्वास कर आप बैंकिंग वाला एक वीडियो डाले थे अपने चैनल पर कि बैंक के एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ें, उस वीडियो पर शायद 6 लाख 6.5 लाख से ज्यादा व्यू है और इतने पॉजिटिव कमेंट है ना कि भैया आप जो बताए थे ना भैया उसके भरोसे मैंने एग्जाम निकाल लिया, बहुत फायदा हो रहा है भैया, अब मेरा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि 10-12 नंबर उठा ले रहे हैं, आप खुद जाकर कमेंट देख लीजिएगा। आपको करना क्या है अपने फोन में ना, अपने फोन में क्या करना है, द हिंदू का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद उसमें डेली 2 आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल डेली पढ़ना है सुबह में, ठीक है, आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर आर्टिकल समझ में नहीं आता है, मैंने आपको दिखाया था मैं बैंक तैयारी कैसे स्टार्ट किया था, अपने फोन में डिक्शनरी रख लेना, जो भी वर्ड हार्ड लगे आर्टिकल सभी को पढ़ने के बाद समझ में आता है, लेकिन 2-3 वर्ड समझ में नहीं आता है जिसकी वजह से आर्टिकल के थीम को समझ नहीं पाते हैं, तो 2-3 वर्ड जो है वो अपने लैंग्वेज में समझ लीजिएगा, आर्टिकल के थीम को समझ में आ गया, लेकिन आर्टिकल जित्तू भैया बोले हैं पढ़ने के लिए तो बस नहीं पढ़ना है, आपको पूरा थीम समझना है। पहले दिन कम समझ में आएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन के बाद ना आप बोलेंगे भैया ज्यादा समझ में आ रहा अब आर्टिकल, एक बार आर्टिकल समझ में आने लगा तो आपका क्लोज टेस्ट ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये आपको काम करना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, आप कैसे पढ़ेंगे और उस बुक का रोल क्या है, एक बार ध्यान से देखो, मैं मिटाता हूं ये वाला, ठीक है, सारा नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। देखो करना क्या है आप सभी को, क्या करना है, 24 घंटा सभी के पास है, सभी के पास है, जो अमीर है गरीब है 24 घंटे सभी के पास है, और इस 24 घंटे में ही उसको सक्सेस होना है, और बहुत जन होते भी हैं, बहुत जन बोलते हैं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, अगर उनको 30 घंटे भी दे दिया जाए ना तो फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 24 घंटे में ही जो है बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे में ही करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आप सुबह उठेंगे वो किताब तो आपके पास है, अगर वो किताब आपके पास नहीं भी है ना तो आप क्या करिएगा, गूगल पर बहुत सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा पजल का, डीआई का ले लीजिएगा, आप वो किताब मैं बोलूंगा खरीद लेना, हर एक मंथ आता है क्रॉनिकल, नहीं मिलता है तो आप क्या करिएगा, गूगल से बहुत सारा पीडीएफ मिलता है पजल का, डीआई का, सिंप्लीफिकेशन का, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बेड में सुबह सुबह क्या करना है, आपको दो पजल तो करना ही करना है, दो पजल, दो डीआई और 5 से 7 सिंप्लीफिकेशन, और कुछ नहीं करना है, बस जितना बता रहे उतना देखिए, 2 पजल 2 डीआई 5 से 7 सिंप्लीफिकेशन, और फोन में ही द हिंदू का एप्लीकेशन खोलकर एक आर्टिकल पढ़ लेना है। अगर इतना करने के लिए आप तैयार है, आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट से कोई नहीं रोक सकता। देखो आपको सुबह में 12-1 बजे तक इतना काम तो आपको कर लेना है, इतना काम, एकदम माइंड को शांत रखेंगे, ये नहीं कि 24 घंटा मुझे पढ़ना है अभी क्या करे, दो डीआई कर लिए शाम को, अब सारा दिन दिमाग आपका डिस्टर्ब है और सारा दिन अल्टीमेट कुछ पढ़े नहीं है, तो दिमाग में ये रखिएगा 1 से 2 बजे तक मुझे इतना काम डेली करना है, पर डे, एक भी दिन बहाना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर भीड़ से अलग पहचान बनाकर मुझे जॉब लेना है, तो इतना काम तो आपको डेली करना है पर डे, वो क्रॉनिकल की किताब में आपको ये सब मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाना है। अब क्या करना है, मान लो
आप देखिए होंगे रीजनिंग में आपका कितना टॉपिक है, रीजनिंग में आप देखिए होंगे पजल को छोड़कर चार पांच टॉपिक है, पांच छह टॉपिक है, मशीन इनपुट आपको छोड़ देंगे चार पांच टॉपिक है। एक टॉपिक मान लो मैंने लिख दिया यहां पर सिलोगिज्म, ठीक है, अपने माइंड में रखिएगा कि तीन दिन में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। अगर आप मेरा एक घंटे का वीडियो देख लेंगे ना तो आपका एक घंटे में ही खत्म हो सकता है पूरा का पूरा सिलॉग, पूरा का पूरा सिलॉग। लेकिन आपको एक घंटे में खत्म नहीं करना है, आप पूरे दिमाग को बोलिए ना, तुमको बहुत आराम देंगे, आराम से करेंगे। तीन दिन में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, आपको सारा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, सर्च करिएगा। तीन दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है और एक एक घंटे में टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया, आप सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद आपको बस मेरा दो क्लास देखना है, एक तो शाम को 6 बजे वाला मैथ का क्लास देखना है और रात को 10 बजे वाला रीजनिंग का क्लास देखना है, और आपको कुछ नहीं देखना है मेरा। इसमें मैंने बहुत सारा मैथ का क्लास खास कर क्यों, क्योंकि मैं अर्थमैटिक आपको एक महीने में इतना करा दूंगा ना, आप बोलेंगे भैया क्लर्क में मैं 6-7-5 नंबर आराम से अटेम्प्ट कर आया हूं, वो भी उतने टाइम में, याद रखिएगा, ठीक है। पहला काम, इतना काम आपको करना है, और आपको क्या करना है उस क्रॉनिकल से ना हफ्ते में तीन दिन, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेली मेहनत करना है तो डेली आप ना एक पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश वाला पैसेज, भले पूरा का पूरा गलती हो लेकिन एक पैसेज आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, ये तो आपको डेली करना है, और एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना स्पीड टेस्ट डेली दीजिए, मॉक टेस्ट, ये कृपया कर दीजिए। जितने भी बैंक के स्टूडेंट आज तक जितने भी बैंकर बने हैं, जिन्होंने भी बैंक एग्जाम निकाला है, कोई नहीं बोल सकता कि मॉक टेस्ट के बिना कोई एग्जाम निकाल सकता है। अब पहले जमाने की बात छोड़ दो, अभी अगर आप मॉक टेस्ट देकर एग्जाम निकालने वाले बंदे आपको 99% मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका बहुत फायदा होता है। और मैं बोलूंगा ना खास कर आप मेरा ही लीजिएगा, आप मेरा ही मॉक टेस्ट लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भैया आपका क्यों ले, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर पूरा विश्वास है, बैंक वाले पर, क्योंकि बैंक का कंटेंट जो मैं दे रहा हूं ना, मैं बाकी चैनल का नाम नहीं लूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप ही आज बैंक तैयारी स्टार्ट की है, आप कंपैरिजन कर लेना कंटेंट को लेकर, क्वालिटी कंटेंट यहां पर प्रोवाइड है, आप एक दो टेस्ट देना, क्वालिटी का पता चलेगा, क्वालिटी है बोलते किसको है। तो आप क्या करिएगा ना, अब ये भी नहीं बोल सकते कि आप बस IBPS क्लर्क का ले लो, आप क्या करना, आपको मैंने रेट देखा नहीं है, सर लोग ठीक किए हैं, आपको 373 में ना, 373 में पूरे साल भर के लिए मिल जाएगा, यानी अभी से अगला दुर्गा पूजा तक, यानी एक साल तक जितना भी बैंक इंश्योरेंस का एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको उस मिलेगा सक्सेस की 98.net पर आपको। तो आपको क्या करना है, IBPS PO हो, RRB PO हो, RRB क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, किसी का भी प्री एग्जाम बैंक का सब सम्मान है, ठीक है। तो प्री एग्जाम आप ये मत बोलिएगा भैया PO का एग्जाम क्यों दे, क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो पैटर्न समान है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर अंतर होगा, क्वेश्चन के लेवल का अंतर होगा, और क्वेश्चन के लेवल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक डेली मॉक टेस्ट देना है, भले आपका नंबर 20, 22, 17 आए, आपको डेली एक देना है, और देने के बाद एनालाइज करना है, भैया आप इतना मॉक टेस्ट दिए हैं क्या, आप जाकर अगर 373 का बाई करते हैं ना, तो आपको रेलवे, बैंक, SSC जितना भी कंटेंट है सब फ्री मिल जाएगा। और हाँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करेंगे तो आप वहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। और बैंक वालों को तो बहुत कुछ मिल जाएगा टॉपिक टेस्ट में भी, आप देखना बैंक वाले के बहुत बेनिफिट है। हालांकि एप्लीकेशन में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, कोई कोचिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है डेली, ये करने में आपको टाइम कितना लगेगा, 2 पजल, 2 DI, 5-7 सिंप्लीफिकेशन, 1 आर्टिकल, मैं बोलूंगा ज्यादा 2 घंटा,
2 घंटा से ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा। 2 घंटा आप टाइम यहां पर दिए, 2 क्लास देखने में टाइम कितना दिए, 6, और वहां पर टाइम मान लो आप 1.5 घंटा वहां दिए, टाइम कितना गया, 3.5 घंटा। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है मैथ का, या फिर मैथ में कोई टॉपिक तो रह नहीं गया है, आपको मैं सब कुछ करवा ही दे रहा हूं, यहां पर क्या रह गया आपका, तो यहां पर रीजनिंग का एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक। तो 3 दिन में, यानी अगर डेली एक टॉपिक को आधा घंटा भी देते हैं तो यहां 2 घंटा हो गया, 2 घंटा यहां हो गया, 4 घंटा, और एक टेस्ट देने में आपको लगेगा 60 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, एनालाइज करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 5.5 घंटा। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, यानी 24 घंटे में अगर 6 घंटे आपने दे दिया, 6 घंटे तो बिना कोचिंग का आप निकाल सकते हो, वरना अगर कोचिंग कर भी लेंगे तो आने में 3 घंटा, जाने में 3 घंटा, आने जाने में 3 घंटा, फिर क्लास अटेंड करो, फिर घर आकर पढ़ना है, सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा जो टीचर कुछ भी सिखा दे। तो मैं बोल रहा हूं सारा कंटेंट अवेलेबल है, DI पजल का PDF भी मैं आपको दे रहा हूं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कुछ मत करो, बस इतना काम जितना बोर्ड पे मैंने लिख दिया है ना, डेली एक टॉपिक रीजनिंग का 3 दिन में खत्म करना है, एक टॉपिक वीडियो मिल जाएगा, ये 2 घंटे का काम, एक टेस्ट देना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, आज से आपको देना है अगर सक्सेस होना है तो, वरना 1 महीने के बाद यही बोलेंगे भैया एग्जाम नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्या कमी है आपके अंदर, देखो भैया का बात फॉलो किए कि नहीं किए, क्या कमी रह गया देखो, आप फॉलो कर रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार आप काम नहीं कर सकते, थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, एटलीस्ट आपको इतना तो खटना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है भीड़ में से निकल कर तो, ठीक है, पैसेज डेली पढ़ना है एक आर्टिकल, और एक पैसेज डेली सॉल्व करना है आपको ना, successkey98.net एप्लीकेशन पर बहुत सारा पैसेज मिल जाएगा, DI मिल जाएगा, पर सब बहुत कुछ, बैंक के लिए तो बहुत कुछ है, आप जाकर देखना, 373 का पैक लेंगे तभी, क्योंकि 373 के अंदर सारा जितना भी लॉक बहुत जगह लगा हुआ सब लॉक खुल जाएगा, ठीक है। और हाँ, संडे का इंतजार करिएगा, संडे का टाइमिंग याद रखिएगा, पजल DI का मैं कराऊंगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, बस टारगेट रखो एग्जाम क्रैक करना है, इस बार किसी भी कीमत पर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, चलो। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा वीडियो उनके साथ जिनका बैंक का एग्जाम आने वाला है, राइट, चलिए।